देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक में थे बड़े ब्रो, थोड़े जन्मदिन की तैयारियां जोरा शोरा ना चल रही ने, थानू पता है ना? या आई नो की है बड़े ब्रो, तुसी एक्साइटेड नहीं? की गल है? नहीं, मैं थोड़ा दिया नू लेके परेशान हो रहा सी। आज सवेर दा दिया दा बिहेव कुछ ठीक नहीं लग रहा सी। आई होप अकेडमी च जो कुछ चल रहा है वो सब नाल दिया परेशान ना हो रही। तुहाडे कहण दा की मतलब है? अजीब बिहेवियर इन द सेंस। एक्चुअली जदों मैं उहदे नाल गल कर रहा सी तां उदों वेंकट ठीक कह रही है दिया, तू मेरे बर्थडे ते एकेडमी तो बाहर आउन दा ट्राई ना करी। हाँ ट्विंकल ता है जेड़ी हमेशा सही गल करती है। डोंट वरी सर जी, मैं तुहाडे बर्थडे ते कर नहीं आने वाली। ये दिया इतना क्यों बिहेव कर रही है? कुछ समझ नहीं लगे। दोबारा कॉल कर ला। दिया मेरा फोन क्यों कट रही है? बड़े ब्रो, दिया भाभी अकेडमी दिया प्रॉब्लम्स करके परेशान नहीं ने, वो तुहाडे करके परेशान ने। मेरे करके? मैं की कीता है? ओहो तुसी समझे, दिया भाभी तुहानू ट्विंकल दे नाल देख के अपसेट हो गए हुण ने। उतो तुसी ट्विंकल दी गल सुन के दिया भाभी नू इत्थे आण लई मना कर दिता, ते गल दिया भाभी नू चंगी नहीं लगी हुण। ए सब तां मैं उहदी भलाई लई कहा सी, पर उहनू अपसेट होण दी की लोड़ है? ए उहनू वी तां पता है कि वो इत्थे नहीं आ सकदी। हाँ ते इदां वी तां हो सकदा ना कि ये सब तैयारियां दा हिस्सा ना होण करके वो सब नू मिस करदे होण। उतो तुसी ट्विंकल दी गल मान लई ते इस गल दा वो होर गुस्सा कर गए होंगे। हाँ पर ये गल उन्हूं मैं पहली बारी थोड़ा कह रहा, मैं पहला भी अकैडमी तो बाहर आने लई उन्हूं कई बारी रोके। हाँ पर इस बार वो जैलस फील कर रहे हैं ना। जैलस? बट की दे तुम? ओहो बड़े ब्रो, दिया भाभी ट्विंकल तो जैलस फील कर रहे हैं क्योंकि वो तुहाडी एक्स फियांसे जो सी। हाँ पर उहदे नाल दिया नूं की प्रॉब्लम है? रियली बड़े ब्रो, हुण इह सब भी तुहानूं मैं दसा। बड़े ब्रो, दिया भाभी दे दिल च तुहाडे लई फीलिंग्स ने ते ओह तुहाडी एक्स फियांसी दे नाल तुहानूं देख के खुश नहीं सी। व्हाट रबेश, इदां दा कुछ नहीं है। बड़े ब्रो मैनूं नहीं पता तुसीं कीड़ी मिट्टी दे बने हो जिहड़ा तुहानूं इन्ना कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिथे तक मैनूं दिख रहा है फीलिंग्स उहनां दे मन च वी ने ते फीलिंग तुहाडे मन च वी है। एकम इदां दा कुछ नहीं है। कोई अंदर है तो नहीं ना? नहीं नहीं हूँ मैं अंदर जानी। बस और मेरा काम बन जावे। हे माता रानी, ये फिंगरप्रिंट्स काम कर जान। थैंक गॉड।
इधर तो पासवर्ड भी लगे हुए हैं। पासवर्ड कितना पता करांगी? तो टाइम भी निकलता जा रहे हैं, मैं की करा? कौन हो सकता है? हे माता रानी, मैं बचा ली। आई एम सॉरी बड़े ब्रो, तुसी मनो या ना मनो, जेड़ी गल है वो है। नहीं तो तुसी आप सोचो, एक कुड़ी अपना कैरियर खतरे च पा के तुहाडा नाम क्लियर कराने बारे क्यों सोचेगी? एंड तुसी भी तो दिया भाभी दी इन्नी ज्यादा केयर करते हो ना, तो जे तुहाडा कोई परसनल इंटरस्ट ना होंदा तो तुसी दिया भाभी दी इन्नी केयर क्यों करते? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि तुहाडे दोवां दे दिल च एक दूजे लई फीलिंग्स ने। ये सब बकवास है, ये सिर्फ तेरे दिमाग च है। नहीं ब्रो, एकम दिया इदां दी कुड़ी है, उन्हूं लगता है कि वह कल्ली हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जबकि इदां नहीं है। दैट्स वाई मैनू उहदी टेंशन रहिंदी है। पर वड्डे ब्रो, तुसीं मैनू तां एक्सप्लेन, ये सब गल्लां तू किसी दे दिमाग च ना पाई, खास करके दिया दे। मैं नहीं चाहता उदी गेम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो अपने गेम ते फोकस करे ना कि साढ़े रिश्ते ते। तुसी इत्थे? मैनू पता सी तू कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी। जदों तू मैनू सीसीटीवी कैमरे दे 36 सवाल पूछ रही थी, मैनू उदों ही शक हो गया सी कि कुछ गड़बड़ है। मैं अक्सर सीसीटीवी फुटेज देखते ने। ले, होर काम ही की नू? अच्छा, जिहड़ी सीसीटीवी दी फुटेज होंदी है उहदा की करदे ने? उह तां उहनू इकट्ठा करदा है ते अपने कमरे दे लॉकर विच रख दिंदा है। ते जदों मैं तैनू ते तेरी सहेली नू ਮਿੰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੋ? ਅਰੇ ਪਾਸੇ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਅੰਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਅੰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਅੰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਰੁਕੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੂਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀਆਂ। ਸਰ, ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਸੋਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਸੋਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਂਗ ਕਿਹੜਾ? ਜੂਨੀਅਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਡੀਆ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਯੰਕ ਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ ਰੰਧਾਵਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कि उस वड्डे प्लेयर का फ्यूचर खराब करने वाला कोई होर नहीं बल्कि इस अकेडमी का सैक्रेटरी मयंक शर्मा है। तो मयंक सर ने अरज रंधावा फेक ड्रग केस में फसा के उन्हों का करियर बर्बाद कर दिता। तो जे मैं अरज रंधावा बेकसूर साबित करना है ना तो मेरे लिए इन्हों टेप चो मयंक सर के खिलाफ सबूत लभना बहुत जरूरी है ताकि उन्होंने उन्हों की गलती की सज़ा मिल सके ताकि वो आने वाले टाइम विच किसी होर खिडारी की जिंदगी बर्बाद ना कर सकन क्योंकि जो सर जी के नाल इदा कर सकते हैं ना तो वह अकैडमी के किसी होर प्लेयर का फ्यूचर भी बर्बाद कर सकते हैं। तो जो अज तुसी उन्होंने सब दस दिता ना तो तुसी आने वाले टाइम विच बाकी की जिंदगी बर्बाद करन च उन्हों का साथ ही दोगे। वैसे भी मैं कई बार उन्होंने तुहाडे उत्ते चीकते हुए देखा है जिदा का व्यवहार वो थोड़े नाल करते हैं तुम इन्ने साल तो बर्दाश्त किदा कर सकते हो तुम नहीं चाहते ये सब बंद हो गए। चाहता तो मैं भी यही हाँ कि मयंक नूं किते दी सज़ा मिले पर सब कुछ करके मैनू की मिलना। जब मैं बोर्ड मैंबर के सामने ये सबूत पेश करांगी ना तो बोर्ड मैंबर उसी वेले मयंक सर नौकरी तो कढ़ देंगे तो तुहानू इन्हां जुल्मां तो छुटकारा मिल जाएगा। तो हाँ मैं इन्हां बोर्ड मैंबर विच कुछ बोर्ड मैंबर्स नूं जानती भी हाँ तो मैं इस गल का पूरा ध्यान रखांगी कि तुहाडी नौकरी तो कोई मुसीबत ना आवे पर तुहानू मेरी हैल्प करनी पएगी। ठीक है मैं करांगा तेरी मदद पर तैनू इत्थे बड़ी समझदारी नाल काम करना पैना क्योंकि मयंक नूं जरा भी शक हो गया ना तो उन्हें मैनू मार मार के ना बाहर कढ़ देना। नहीं तुसी फिक्र ना करो जे मैं फड़ी भी गई ना मैं तां भी तुहाडा नाम बिल्कुल नहीं लवांगी पर प्लीज़ तुसी मेरी हैल्प कर दो। दस तेनू मेरे तो की मदद चाहिए? तुहानू इस लॉकर का पासवर्ड लभण च मेरी मदद करनी पएगी। सिर्फ तुसी हो जिहड़े इन्ने सालों तो इत्थे हो सिर्फ तुसी हो जिन्हों इस लॉकर बारे पता सी कि तुसी मैनू इस लॉकर का पासवर्ड दस सकते हो? ये तो मैनू भी नहीं पता। फिर मैं लॉकर किदां खोलांगी? हाँ एक तरीका है। केड़ा तरीका? पर सर तुसी जान दे हो ए सीनियर सानू हमेशा तंग करन दी कोशिश करदे ने फिर भी तुसी मैनू ही सारा कुछ कह रहे हो। ए तू ज्यादा ना बोल ठीक है ना। इनफ। हुण जे कोई बोलिया ना तो सारयां नू अकैडमी चो बाहर कढ़ देंगा फिर देखदा तुसी नैशनल्स किदा खेडदे आ। बहुत सुन ली ताड़ी बकवास। हुण सारे अपने कमरे च जाओ। तुहाड़ी सज़ा यही है कि तुहाड़े चो अज किसे नू भी लंच नहीं मिलेगा। अकैडमी च रहण दी तमीज ही नहीं है। हुण भुखे मरो सारे। एंड यू टू इन माय ऑफिस राइट नाउ। नहीं मैं मयंक सर नू ऑफिस नहीं जान दे सकती क्योंकि अजे तक दिया दा काम होया ही नहीं होना। सर ये सही गल नहीं है। मैं मयंक नू बड़ी बारी देखे लॉकर खोलदा पर मैनू उहदा कोड याद नहीं है पर मैं इन्ना दस सकदा कि वो हमेशा उपरे अखां तो लॉक खोलदा सी। ओके लेफ्ट तो या राइट तो? राइट तो नहीं वो पुठे पासों शुरू करदा सी। तू पुठे पासों बटन दबा के देख। मैनू लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। किद्दां? पैनल दे लेफ्ट टॉप ते नंबर एक है तो सानू पहला नंबर का पता लग ही गया। पर एक नंबर तो था हजार नंबर आते हैं। हाँ पर एक तो शुरू होने वाले सब तो कॉमन नंबर बंदियां दे जन्मदिन का साल होंदा तो असीं सन पा के देख सकते हैं की पता किसी का बर्थ ईयर हो। हाँ ये वधिया तरीका पर जिन्हें कम ना किया तो फिर साढ़े कोल होर कोई ऑप्शन भी नहीं है सानू यही ट्राई करना पैना है बाकी असं बाद सोचते हैं असं सब तो पहला मयंक सर के जन्मदिन का सन पा के देखते हैं। तेनू मयंक सर के बर्थ का सन पता है? हाँ वो तो सर जी सेम ईयर च पैदा हुए ने। चलो पा के देखो। ये तो
दरवाजे भी नहीं खुले उनकी करेंगी। अच्छा मयंक सर की कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड है? पता नहीं पर जो हुई भी तो मैनू नहीं पता। फिर इसके अलावा तो उन्हें भैन ईशा का बर्थ ईयर या उन्हें मम्मी का बर्थ ईयर हो सकता है? तेनों मयंक सर की मम्मी के बर्थ ईयर का पता है? तो फिर तो भैन ही रहेगी। फिर मैं तो ईशा का बर्थ ईयर भी नहीं पता। कौन बोल रहा? सर मैं। की सही नहीं है दसी? सर इस सीनियर सानू हमेशा तंग करते ने ते हमेशा साढ़े तो जीजा खाते ने ते आज भी असी इन्ना करके भुखे क्यों रहिए सर? ये हमेशा ही इदा करते ने साढ़े नाल। हुण तू मैनू दसेंगी कि अकैडमी किदां चलानी? गुड। अगे तो मैनू सलाह देण बारे सोची भी ना क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। अज तो सिर्फ लंच ही बंद किया। दोबारा बोली तो जिन्हें दिन अकैडमी च है कुछ भी खाने नहीं दवांगा क्योंकि समझ। वैसे तेरी वो सकी रूममेट कितने? मयंक ने पिछले साल ईशा के जन्मदिन की पार्टी की थी, बड़ी वड्डी पार्टी की थी, ते सानू सारे नू बुलाया सीगा काम करने वास्ते। ये उदा 25वां जन्मदिन सी ते इत्थों तू गिनती कर ला। जे ईशा 25 साल की हुई है उदा मतलब उदा बर्थ ईयर 1997 होया। छेती छेती नंबर पा जे मयंक ना आ जावे। दिया दिया सर अपने रूम च है। जब सर लड़ाई हो रही सी अदो तो इत्थे सी। हाँ उन्हें भुख नहीं लगी सी तो अपने रूम च चली गई। अच्छा बड़ी अगे दी सोचती है तेरी रूममेट। हाँ उन्हें पहले ही पता सी कि आज रोटी नहीं मिलनी इसलिए कमरे च चली गई। जे मैनू पता लगा कि तू ते दिया ने कोई पंगा पाया तो तुहानू दोहां नू अकैडमी चो बाहर कढ़ दांगा। फिर देखांगा तुसी नेशनल्स किदा खेड़दे हो। गो टू योर रूम्स। रब करे दिया दा काम पूरा हो गया होवे। खुल गया। सानू इन्ने खुशी होने की लोड़ नहीं है। तू छेती छेती टेप कढ़ देख उहदे ते सन लिखे होणगे। What the hell? तू मेरे ऑफिस? सर सवेरे तुहाडे ऑफिस का टेबल रह गया सी वह साफ कर रहा। सारा काम तू सवेरे कर दिता तो टेबल साफ करन दा तैनूं हुण याद आया? सर थोड़े मैं ऑफिस के बाहर ही सीगा ते मैं अंदर ता नहीं आया कि तुसी ये ना समझे कि तुहानूं तंग कर रहा। ओह गॉड इस अकैडमी का सारा स्टाफ यूजलैस है।
ते तेरा दिमाग भी तेरी उम्र दे वांग बुढ़ा हो गया। चल छेती साफ करते दफा हो। ठीक है सर। लो सर। मेरा सामान इधर उधर क्यों खिल रहा है? सर मैं टेबल साफ कर रहा सी डिग पे। ठीक है पर मेरे सिर ते क्यों नाच रहे हैं? जे तेरा हो गया तो फिर जा ना। जे शिव अंकल चले गए ना तो मयंक सर ने पक्का मैनू देख लेना है। ठीक है जी, थोड़ा जा रह गया। बड़े तो रंग लाने। ठीक है, कर जो करना है। हूँ इन्हू की चाहिए। अच्छा एक काम कर जी, जे हो गया तो मैंने दस दी मैं बाहर ही हाँ। ठीक है ठीक है। जे मैं अंकल सर बाहर खड़े रहेंगे तो मैं किद्दा निकलूंगी?